वेव इंटरवल में, तो हम उससे क्या f डबल डैश x के बारे में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। किसके क्या कंक्लूड करना है, एग्जिस्टेंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, क्या? ये तो सर डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम कंसीडर हो गया। हाँ, ये प्लस x इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो इसमें से फार्दर कोई नहीं डिसीजन ले सकते हम। मतलब आप ये कह रहे हैं f डैश x डिफरेंशिएबल है कोई भी इंटरवल जैसे 2 से 4 के बीच में, तो अब हम f डबल डैश x उस इंटरवल में क्या होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएबल होगा? f डैश x अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही। f डैश x मतलब डिफरेंशिएबल रहेगा तो वहां पे f डबल डैश x भी मतलब हायर ऑर्डर, हर हायर ऑर्डर वहां डिफरेंशिएबल होगा। अरे भाई हर कैसे हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएबल तो एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, दो की गारंटी कैसे देंगे? नहीं, f डैश x के बारे में हमको पता है, हम f डबल डैश x के बारे में कंक्लूड करना चाह रहे हैं। f डबल डैश कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते ना भाई, तुम ये एग्जांपल ले लो ना, x mod x एक बार डिफरेंशिएबल है, यहाँ तुम चेक करो f डैश जीरो एग्जिस्ट करेगी, f डबल डैश जीरो आई थिंक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, f डबल डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये ले लो आप x स्क्वायर mod x, इसमें f डैश एग्जिस्ट करेगी, f डबल डैश एग्जिस्ट करेगी, f ट्रिपल डैश एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ डबल डैश एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सोचो कारण क्या है, लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? जैसे f डैश x डिफरेंशिएबल है कोई इंटरवल a b में, तो fx को हम बोल सकते हैं कि वो भी डिफरेंशिएबल होगा। हां ऑब्वियसली, क्योंकि वो f डैश जब एग्जिस्ट करेगा तो लोअर तो एग्जिस्ट तभी तो वहां तक पहुंचा है। हां सर, देखिए तो क्वेश्चन भेजे थे। एक मिनट, क्या कहना चाहते हो इसमें सर? इसका डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना। किसका, पहला के दूसरा का? पहला दूसरा दोनों, ए मतलब दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। नहीं तो पहले एक बताओ, पहला वाला सर। क्या इसमें चेक करना है? एक तो मैंने आपको पहले भी कहा, जब कोई क्वेश्चन पूछो खुद से पहले एक्सपेरिमेंट कर लो। आप क्या अपने मर्जी से कुछ भी बना देते हो, अब उसको टाइम वेस्ट करवाते हो, आप खुद करोगे इसमें क्या नया आ जाएगा, आप खुद ट्राई क्या नहीं करते इस पर? कोशिश किए थे बनाने। क्या कोशिश किए इसमें, क्या करना है बताइए, करना क्या है इसमें? अब सर इंटरवल सेपरेट करेंगे एक बार, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। अरे भाई करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्यों सेपरेट करेंगे? वो इसका डिफरेंशिएबिलिटी बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। किस पे? 0 पे। तो इसमें चेक कर लो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी भाई, कि f डैश 0 निकाल लो इसका, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन x निकालो ये। तो यहाँ से अगर चेक करोगे तो e की पावर माइनस वन बाई मॉड x प्लस वन बाई एक्स है मान लो। अब इसमें लिमिट निकालो इसका x टेंस टू जीरो पे क्या होगा ये, तो यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट ले लो सर, बाई एक्स तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस अगर लूंगा मैं तो हो जाएगा ई की पावर माइनस, जब एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, और यही है। अब यहाँ से आपको समझना है कि होगा क्या, तो एक्स टेंस टू जीरो है तो एक्स तो बाद में, एक्स नॉन जीरो नंबर है अभी,
तो नॉन जीरो है, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया e की पावर माइनस जीरो, तो e की पावर जीरो ये वन आ गई। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, अब जो जीरो प्लस लूँगा तो यहाँ से आ गया e की पावर वो वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, टू बाई एक्स माइनस में। अब x जीरो प्लस में है तो वन बाई एक्स हमारा हो जाएगा, ठीक है, वन बाई एक्स कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। माइनस है तो e की पावर माइनस एफ एक्स बाई एक्स जो लिखे थे नीचे, x छूट गया आपको, कौन से x छूट गया है? अच्छा वो x x कैंसिल कर दिए हैं, इसे कहता हूँ कैलकुलेशन करके आया करो तो समझ आएगा, टाइम पास कर रहे हो अपना भी और मेरा भी। ये लो वन आया और ये जीरो आया, डिफरेंशिएबल नहीं है। सर हाँ बोलिए सर, आपने हम आपको भेजे हैं सर, देखिए उसमें रिकरेंस सर समझ नहीं आ रहा है कैसे फाइंड किया। क्या एक मिनट, कहाँ भेजा आपने? आपको पर्सनली मैसेज किया, देखिए